रिलीज हुआ है जिसका टाइटल है टिच बटन। सो गाइज, इस फिल्म की खासियत ये है कि इसमें हम सबके प्यारे दो बहुत ही प्यारे प्यारे एक्टर्स होने वाले हैं, फरहान एंड फिरोज खान गाइज, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज दीज टू आर लाइक दी टॉप एक्टर्स अभी जो पाकिस्तानी ड्रामास के चल रहे हैं। और सबसे ज्यादा तो मतलब जो फिरोज खान है वो हमेशा लाइमलाइट में जो छाए रहते हैं, तो उनकी एक्टिंग और ऊपर से फरहान की एक्टिंग दोनों साथ देखने को मिलेगी, तो क्या धमाका लेके आए हैं वो इस मूवी में, तो वो भी फटाफट देखते हैं ट्रेलर। एग्जैक्टली गाइज, और जो फरहान है वो आजकल मेरे हम सफर की वजह से और भी चर्चा हाँ, exactly. मतलब पहले ही बहुत अच्छे एक्टर है, बट आजकल उन दोनों की जोड़ी हाला और हमजा की वजह से काफी ज्यादा इंडिया में भी बहुत पॉपुलर रखे। तो दिस इज गोइंग टू बी गुड, एंड इसकी टाइटल से लग रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी अ कॉमेडी रोम कॉम टाइप ऑफ मूवी। एग्जैक्टली, अभी फटाफट से देखते हैं क्योंकि बहुत जो दोनों एक्टर्स छाए रहते हैं हमेशा रील्स पे, इंस्टाग्राम पे और सब जगह, फटाफट से ट्रेलर पर रिएक्ट करते हो, देखते हैं कैसी रहे हैं इनकी एक्टिंग और कैसा है ट्रेलर। यस गाइस, और अगर हमारे चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो, सो लेट्स जस्ट गला साफ कर लो बेटा। जान से प्यारी शकीला। शकीला हाय, स्टार्ट अच्छा है। चुप है, आगे पढ़ो। ये तो मौला जट शुरू हो गई। ओ मौला जट। कितने सालों में पास किया है? सिर्फ 2 साल। और मैंने 4 साल में। तो ज्यादा पढ़ाइयाँ किसने की? काका साहब लगाने से काका बड़ा कोई इज्जत वाला नाम बन जाता है जैसे। He's gorgeous. सही में। ओ वाओ, कितनी सुंदर लग रही है। जिस आदमी को हाँ एग्जैक्टली नहीं पता है उसके साथ में काम फॉरेन शूटिंग भी है गाइस इस मूवी में। आखिर वो साक भी है जो बाहर अफसर लगा हुआ है। गोरे गुलामी करते हैं उसकी। पता नहीं कितनों लग गई साकिब ते मत्थे लंडे ती मीम। वो इतनी बेकरारियाँ निकलाने दो ना सितारे हम भी चंच। मुझे बांध रही, मुझे खींच रही, तेरे दोनों डोके डोरी रे। कमीने, तुझे शर्म नहीं आई? तूने भाई को उठा के मीठा ही बना दिया। अब देना वो स्टेटस क्या डाल रहा था तू? फीलिंग लवली। तेरे और लीना में मुझे कोई आशिकी मशूकी वाला करंट दौड़ता नजर नहीं आता। वलैती लड़की है यहाँ की, कोई पिंड की लड़की नहीं है जब वक्त यार बैठी हुई शिलोंग में मुस्कुराने। इनका कुछ ट्रायो बनेगा। एग्जैक्टली, मुझे भी यही लग रहा है। या फिर लव ट्रायो, इतना ऑर्गेनिक है, इतना अमेजिंग, इतना रियल है, इतना प्यारा है कि तुझे प्यार हो गया पगली। ना दिया अच्छा रियल विद गोस्ट। हां साहिबा ने भाइयों के पीछे यार मरवा दिया, तू ये भाई मरवा दे। यारों के भरम रखते हैं और उनके मान नहीं तोड़ा करते हैं। गिला ये नहीं है कि मेरे भाई ने मेरी कमर पे छुरा घोंपा, बल्कि गिला ये है कि मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया। कुछ ट्विस्ट है गाइस बीच में। सब कुछ मैंने तेरे प्यार में किया था। जो यार का ना हुआ वो भला प्यार का क्या होगा। What's a line? What's a line? जीते जी खून का रिश्ता, जो यार का ना हो बल्ला प्यार का क्या होगा। दिल का रिश्ता टूट गया है। So guys, the video ended और जो ट्रेलर था वो क्या जबरदस्त ट्रेलर था। 1 मिनट नजर नहीं हटी ट्रेलर से, ऊपर से क्या ट्विस्ट लाए हैं ये बीच में। गाइज, ट्विस्ट तो लाए हैं और इतनी अच्छी चीज थी कि इतना जो ट्रेलर है वो इतना वेल मेड है कि भाई हम लोग ट्रेलर में इतना इन्वेस्टेड थे कि अब एक्चुअली लग रहा है कि मूवी देखते हैं कि होगा क्या। एग्जैक्टली, और हम देखेंगे ये मूवी, हम पक्का देखेंगे और इसका रिव्यू भी देंगे हम मूवी का। अगर
हमारा कॉपीराइट मतलब ऐसे कॉपीराइट क्लेम वगैरह का कोई इशू ना हो तो 25 नवंबर को आएगी गाइस ये मूवी 25 आने वाली है और क्योंकि बहुत बढ़िया ट्रेलर था और काफी ज्यादा एक्साइटेड है हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं एक्चुअली मूवी जब आएगी एग्जैक्टली गाइस क्योंकि काफी एक होती है कि थोड़ी मतलब क्लीशे टाइप स्टोरी मतलब है ये थोड़ी क्लीशे ऑफ कोर्स नॉट समथिंग आउट ऑफ द ब्लू बट जिस तरीके से इसको प्रेजेंट करा गया गाइस तो दैट इज वेरी मतलब इंटरेस्टिंग कि हमारा इंटरेस्ट ना वो है कि देखते हैं कि क्या होगा बेसिकली क्योंकि उन्होंने दिखाया कि वो उसी गर्लफ्रेंड को पसंद करने लग जाता है और वो उसी गर्लफ्रेंड को बट फिर उनकी कुछ लड़ाई होती है आई डोंट नो व्हाई कि क्यों होती है द रीजन बट कुछ हाँ, होता है भाई स्टिल फिर उनकी लड़ाई होती है पर वो समझ नहीं आया कि वो उनकी लड़ाई होती क्यों है एक्चुअली वो ट्विस्ट ऑब्वियसली वो रिवील नहीं करेंगे वरना मूवी कोई देखने नहीं आएगा तो गाइज अभी फटाफट से फिर हम देखेंगे मूवी और आप लोग बताना हमें कहाँ मिलेगी एग्जैक्टली गाइज बाकी अगर हम एक्टर्स की बात करें तो सब ने एक्टिंग बहुत अमेजिंग करी है फरहान का मैंने कभी ऐसा रोल इमेजिन नहीं किया था क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैंने सिर्फ इनको हमजा के रोल में देखा और उसमें इनका इतना प्यारा सा रोल है मतलब यू नो एक रिस्पॉन्सिबल परफेक्ट जेंटलमैन एग्जैक्टली इसमें ही इज वेरी यू नो फन टाइप ऐसे राउडी से दिखा रखे हैं यस दैट इज वेरी डिफरेंट और फिरोज अच्छा लग रहा है और काफी अच्छा लग रहा है और जो फिरोज खान है वो हमारे शेफ हैं और मतलब बीच में एक लाइन भी बोली गई थी कि वहां पे गोरे लोग हैं जो उनके बहुत वो करते हैं गुलामी करते हैं और वो वहां पे जैसे आलू के पराठे दे रहे हैं और फिर मतलब और फिर उनकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसे वो अपेरेंटली लेके आते हैं पाकिस्तान तो वो देखना भी बहुत वो रहेगा कि कौन है उनकी लव स्टोरी भी दिखाएंगे कि वहां पे क्या टर्की में कैसे कैसे उनकी लव स्टोरी लव एंगल बना और फिर वो पाकिस्तान आई उनके साथ मतलब जैसे कि हम कहना चाहें तो दोनों को एक्टर्स को हमने काफी इंटेंस रोल्स में देखा है सीरियस रोल्स में देखा बट इसमें कॉमेडी होने वाली है तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू सी स्पेशली फरहान सईद एंड फिरोज खान को भी वो देखा हुआ है फिरोज खान को वैसे हमने देखा हुआ है किसी एक ड्रामा वगैरह में शायद उनको थोड़ा वैसे वो खुद और मोहब्बत में पहले थोड़ा फनी रोल था उनका बाद में वो बहुत सीरियस होते बाकी जो दोनों फीमेल एक्ट्रेसेस हैं हम किसी को भी नहीं जानते ईमान अली और ये सोनिया नीचे लिखा था वी डोंट रिमेम्बर बट गाइज दे आर सो प्रिटी एंड गॉर्जियस और उनकी एक्टिंग हमें पता नहीं चला इतना इसमें तो अच्छी लगी थी बट मूवी देख के पता चलेगा कि कैसे क्या होगा एग्जैक्टली और बाकी वो जो एक डायलॉग था जो हमें बहुत अच्छा लगा था वो डायलॉग भी बहुत अच्छा यार का नहीं हुआ वो प्यार का क्या होगा एग्जैक्टली उससे तो हम फैन ही हो गए उसके बाद तब हमें लग रहा है कि मूवी देखनी पड़ेगी एग्जैक्टली गाइस तो काफी सही था ट्रेलर वेरी एक्साइटेड फॉर द मूवी गाइस आप बताओ कि आपको कैसा लग रहा है और इसमें एक गाना आया था उसमें शायद वो भी थी क्या नाम है ना एक्ट्रेस का यार जो बहुत फेमस है मौरा की जो सिस्टर है मौरा हुकेन और सिस्टर उर्वा ऐसे कुछ उर्वा उर्वा उनका नाम हाँ वो भी है इसमें हाँ उनका एक डांस है बीच में तो काफी सही कास्ट है गाइस सो वेरी एक्साइटेड टू सी सो दिस इज द रिएक्शन गाइस यू लेट अस नो हाउ डिड यू लाइक द ट्रेलर एंड आप लोग भी एक्साइटेड हैं हमारे तरफ देखने के लिए कि नहीं सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस बाय